नमस्कार, मैं हूं गिरीश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी ने आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का डेट फिर से बढ़ाया और इस बार 15 जुलाई तक। और डीजीटी ने आईटीआई टॉक शो पे दिखाए गए आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की समस्याओं को संज्ञान में लिया और मैंने इसको बोला भी था आप लोगों को कि मैं आपके पीछे लगा हूं, बड़े अधिकारियों को जो डीजीटी में है ना, इनसे भी बड़े अधिकारी मंत्रालय तक आपकी बात पहुंचा रहा था। और मैं आपसे बोला था ना कि जब तक लास्ट लड़के का नहीं हो जाएगा तब तक हम लगे रहेंगे। ठीक है, आज ही हमारे आईटीआई एक्सपर्ट दामोदर राव, विकास चौधरी और कुमार रंजन जी, मनीष जी, इन सब से चर्चाएं हो रही थी, ग्रुप में भी हो रही थी और हम लोग कह रहे थे कि 30 तारीख तक ये वेट कर लीजिए, नहीं तो एक बार फिर हम लोग आईटीआई एक्सपर्ट के रूप में आएंगे और इस पर चर्चा करेंगे और सरकार को ये सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन इसके पहले हमारी जब आज बात हुई, बड़े अधिकारी से बात हुई और बड़े अधिकारियों को जब हमने बोला कि सर ये प्रॉब्लम 30 तारीख तक नहीं होने वाली है और लड़कों के साथ में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, लड़के घबरा रहे हैं, उनके साथ में नहीं हो रहा, तब बड़े अधिकारी ने, मैं सबसे बड़े अधिकारी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, डीजीटी के सबसे बड़े अधिकारी, मतलब डीजी से ऊपर भी बड़े अधिकारी, मंत्रालय तक की बात कर रहा हूं, उन्होंने बोला कि लास्ट कोने में, लास्ट किनारे में, लास्ट लाइन में बैठा हुआ लड़के का हक है एग्जाम देना। कौन से लड़के का? जो सही डेटा है उनके लिए हम बिल्कुल कर्तव्य रूप से खड़े हुए हैं और हम ऐसे किसी भी लड़के का वो नहीं करने दूंगा कि वो एग्जाम ना हो पाए, इसलिए डीजीटी ने डेट बढ़ाया। देखिए, उन्होंने 30 तारीख के बाद डेट बढ़ाने का नहीं हो रहा था। आज आपको सच्चाई बता दूं, बहुत सारे लगे थे, दामोदर राव जी लगे थे, सुधाकर राव जी लगे थे, श्रीनिवास जी लगे थे, कुमार देव रंजन जी लगे थे, विकास चौधरी लगे थे, ये सब लोग जो है तो मनीष जी भी लगे थे, गजराज जी भी लगे थे, जिनको जैसे हो रहा था, अरुण चौधरी लगे थे, शर्मा जी लगे हुए थे, एक उत्तर प्रदेश वाले शर्मा जी, है ना, राजस्थान के शर्मा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये सारे लोग लगे हुए थे और अपने स्तर पर काम कर रहे थे, मैं भी अपने स्तर पर काम कर रहा था और मैं लगा हुआ था बड़े अधिकारी तक। इनके जितने भर कमेंट मेरे पास आ रहे थे, इनके जितने भर सवाल आ रहे थे, मैं उनको भेज रहा था और बता रहा था कि सर लड़कों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी कारण से लड़कों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो सर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सा सुन लीजिए। उन्होंने सुना और ये चीज़ हमारी कल की बात है, ठीक है ना, ये कल की बात है और आज जो है तो हमारे न्यूज़ दिखाने का उन्होंने संज्ञान में लिया और लड़कों की जो दिक्कत हो रही थी, लड़के जो कमेंट कर रहे थे उनका कमेंट का मैंने केस बनाया हुआ था, स्क्रीनशॉट लेकर के मैं ये सारी चीज़ें बता रहा था। कम लड़के नहीं हैं, बहुत लड़के हैं, 40-50 हज़ार लड़कों का भी जो है तो रजिस्ट्रेशन नहीं कम्प्लीट हुआ है ना, तो उन लड़कों के लिए जो 2023 वाले हैं, कम से कम 50 हज़ार लड़के हैं, आपने लेटर में देखा होगा, कम लड़के नहीं हैं, तो उनको जो है तो एक बार मौका फिर से दे रहे हैं। लेकिन एक बार फिर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अभी देखिए 30 तारीख को बीत जाने के बाद थोड़ा सा सही आंकड़ा आएगा, जो आज मेरी मतलब मैंने आज न्यूज आप देख रहे हो, संडे को देख रहे हो, कल रात की बात कर रहा हूँ कि 9:30 बजे की, उनको ये चीज़ जो आज शुक्रवार, कल शुक्रवार था मतलब, तो जो कल तक में जो डेटा आया है और जो शनिवार का डेटा आएगा, जो संडे का डेटा आएगा, तो एक एक्चुअल में जो है तो फिगर मिल जाएगा कि कहाँ पे कितनी दिक्कत हो रही है ना। 50,000 लड़कों का डेटा बहुत है, 50,000 लड़कों का डेटा डीजीटी ने ये जो दिखाया है आपको, ये थोड़ा सा पहले का डेटा है ना, अभी का डेटा नहीं है, ये अभी का डेटा 30 तारीख के बाद जो सबमिशन में बहुत सारे लोगों का जिनका हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो एक्चुअल में डेटा आएगा और एक्चुअल में जहाँ तक मेरे को पता है डेटा को, वो करीबन 25,000 से 30,000 का लगभग डेटा बचा हुआ है अभी और उस पर काम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों ने भी आईटीआई को छोड़ दिया है, तो इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें होने को है। एक चीज़ मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप अपनी बात को रखिए, अपने स्टेट को अपनी बात रखिए, मेल करिए ताकि स्टेट वाला डीजीटी को मेल करे, डीजीटी को सारी चीज़ें पता हैं कि कहाँ मोबाइल नंबर पे दिक्कत हो रही, कहाँ डेट ऑफ बर्थ पे दिक्कत हो रही, कहाँ ईमेल पे हो रही है, कहाँ आधार कार्ड पे हो रही है, और डीजीटी अपने को
फेल्योर नहीं साबित करेगी, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि डीजीटी ने जो साइट बनाई है, वेबसाइट बनाई है, जो पोर्टल बनाया है, उसका क्रेडिट वो बड़े डंके की चोट पे लेंगे, भले चाहे टाइम लग जाए, भले चाहे परीक्षा को थोड़ा और आगे कर दिया जाए, या इसको जो है तो 15 जुलाई तक नहीं होगा तो ये 30 जुलाई तक चीज़ चली जाए। मैं पहले भी बोला था कि ये डेट बढ़ेगी, मेरे को पता था कि 15 जुलाई तक बढ़ेगी। मैंने न्यूज़ में आपको, आप उठा करके देख लीजिए कि मैंने न्यूज़ में ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले बता चुका था। जो भी बात आती, सवाल ये है कि एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ डीजीटी की मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ। जब भी कोई नई चीज़ें आती हैं पोर्टल पर तो वो थोड़ा सी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। अभी तो एक और चीज़ है कि जब ITI वाले सेशनल मार्क्स चढ़ाएंगे तब DGT की वेबसाइट पे क्या हाल होगा, है ना, वहाँ पे क्या स्थिति दर्शाएगी, एग्जाम होगा, नंबर होगा। अभी ये साल जो जाएगा अक्टूबर नवंबर तक पूरा, जो अभी परीक्षा होगी 2023 वाले जो सेशन वाले लड़के हैं, इनका सक्सेसफुल कराना थोड़ा सा टफ जाएगा, कठिन जाएगा, हर मामले में कठिन जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो सेशनल मार्क हो, चाहे वो एडमिट कार्ड हो, चाहे वो एग्ज़ाम का नंबर चढ़ाने का हो, चाहे वो रिजल्ट का हो, और चाहे वो सर्टिफिकेट का हो, ये सारी दिक्कतें बिल्कुल खड़ी होंगी, कड़ी होती आई हैं। आप लोग देख रहे हो, मैं तो 29 साल से देख रहा हूँ, जब से ऑनलाइन था भी तब से नहीं, और ऑनलाइन जब भी बदलाव होते हैं तब भी कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। बदलाव को स्वीकारें, हमारा जो कहने का मतलब है कि बदलाव को हम स्वीकारें, सपोर्ट करें, जहां दिक्कत हो रही है उसको हम बताएं। निश्चित परेशानी हो रही है और ये मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि DGT को ये चीज़ें पहले कर लेना चाहिए। और DGT कह भी रही है कि हमने पूरा डमी किए हुए हैं, पर अभी हमको सबसे ज़्यादा शंका है कि जब फॉर्मेटिव असेसमेंट का नंबर चढ़ेगा, हॉल टिकट जनरेट होंगे, तो क्या दिक्कत खड़ी होगी, क्या दिक्कत नहीं खड़ी होगी, कहीं उस पर भी तो नाम किसी का और सेंटर कहीं किसी का, कुछ भी हो सकता है भाई साहब, जैसे अभी हो रहा है। तो हमारा जो कहने का मतलब था कि मैं कोई ITI DGT को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। सवाल ये है कि लड़के जो परेशान हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैंने इन सब लड़कों का कमेंट और जो मेरे को व्हाट्सअप कर रहे थे, हर चीज़ का केस बना करके मैंने बड़े अधिकारियों तक पहुँचाया, और DGT ने इस ITI टास्क शो के संज्ञान को माना, डेट बढ़ाया। आप कहते हो तो DGT सुनती है, देखिए, है ना, नेतागिरी नहीं। जैसे अभी बीच में क्या हो गया था, थर्ड शिफ्ट के लिए DGT का जो, माने आप सोचो कि वो कहाँ का प्रोग्राम था, कहाँ वो था कि गवर्नमेंट में सीट नहीं भर रही थी, खासतौर से आसाम और मेघालय और वहाँ, तो उन लोगों ने थर्ड शिफ्ट को बढ़ाया किया। अगली बार तो उसको क्रेडिट लेने के लिए कुछ कथित लोग आ जाते हैं पैसा कमाने के चक्कर में, कि ताकि बता दें कि हमने ये करवाया है, अब पैसा दो। जैसे इसमें ITI ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में हो रहा था कि हम 30 तारीख तक में कर लेंगे, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये वसूली जा रहा, तो ऐसे लोग आ करके ना सिस्टम में बहुत ज़्यादा गलत कर देते हैं। इसीलिए ITI एक्सपर्ट लोगों को हम लोगों ने एक चीज़ बनाया था कि सर अभी हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, जब तक लास्ट डेट रहेगी 30 तारीख के बाद हम अपने शो पे आएंगे, फिर इसको आवाज़ उठाएंगे। चूँकि DGT ने ITI एक्सपर्ट की हर एक बात को माना था, चाहे दामोदर जी कहें, चाहे श्रीनिवास जी, चाहे सुधाकर जी, चाहे विकास चौधरी जी, चाहे मनीष जी, चाहे कुमार देवरंजन जी, चाहे गजराज जी, चाहे अरुण चौधरी जी, चाहे सुधीर शर्मा जी UP वाले, वो सारे लोग ये लगे हुए थे। कुछ पंजाब की भी एक हमारी बहन है और एक SBS कॉलेज के कुरविंदर बहन है, वो लगी हुई थी। कुछ आसाम के लोग लगे थे, कुछ पंजाब के, कुछ महाराष्ट्र के लोग लगे हुए थे, है ना, जो सोपे नहीं आ रहे थे, लेकिन अंदर अंदर सब आ करके हमको बता रहे थे, मेल कर रहे थे कि सर ये वाला प्रॉब्लम है, ये वाला मेल करिए, सर हमारे यहाँ की ये चीज़ें हैं। कई ITI वाले भी मेल कर रहे थे, तो उनको सब कुछ मैंने उठाया था, चूँकि हमको भी सबूत देना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो सबूत गया, बड़े आराम से गया, और उस पर DGT ने कार्रवाई की है। आपको 15 तारीख तक, लड़कों को मैं बोल रहा हूँ कि 15 तारीख तक, 15 जुलाई तक टाइम मिला है, अगर नहीं होगा तो 30 जुलाई तक चला जाएगा। मैं आपको बता दूँ, बड़े अधिकारी ने हमको विश्वास दिलाया है कि वीरेश सही डाटा पे हम काम कर रहे हैं, हम किसी भी ऐसे लड़के को नहीं वो करेंगे कि जिसका जो है तो वो एग्ज़ाम ना दे पाए। मेरे को विश्वास दिलाए हैं और वो हमेशा मेरे को विश्वास दिलाते रहे, और जो जो वो कहते रहे वो होता रहा, और जो जो मैं भी कहता रहा मेरी बात को वो 100% मानते रहे। सीधे नहीं माने हैं तो थोड़ा टेढ़े माने हैं, पर माने हैं वो, ठीक है ना। इस पर PG पोर्टल पे भी शिकायत गई है, मेल पे भी गई है, ITI भी लगी है, इसके पीछे बहुत मेहनत करना होता है भाई साहब। लेकिन सवाल क्या होता है कि बीच में कुछ
यूट्यूबर आकर के गलत गलत जानकारी दे करके गलत चीज़ें आपसे करवा करके। इसमें एक चीज़ मैं बोलूँगा, मेरे को भैया आप बुरा मानना है तो मानिए, इसमें आईटीआई वालों का भी बहुत हाथ है, खासतौर से वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर थे, तो उन्होंने वीडियो में जो देखा, जिसने जैसे बताया ना, तो अभी भी वैसे करने जा रहे हैं। कोई आईफोन से डिलीट कर रहा है, कोई किसी से डिलीट कर रहा है, कोई कैसे भी कर रहा है, कोई नंबर चेंज कर रहा है, कोई सब कुछ करता चला जा रहा है ना। ऐसा नहीं होता है, और स्टेट में मेल करने से कुछ नहीं होता है, वहाँ जाने से होता है, ये आप याद रखिएगा। तो डीजीटी आपकी बात को सुन रही है, लड़कों की बात को सुन रही है, अब चाहे परीक्षा लेट हो जाए, अब उधर अब देखिए, अब इधर ये चक्कर करिए, उधर परीक्षा लेट हो रही है, उधर सप्लीमेंट्री वाले बेचारे वो हो रहे हैं, इधर नए एडमिशन की भी डेट चली जाएगी, आईटीआई वाला बेचारा परेशान है, उसके पुराने लड़कों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है और नए लड़के बिल्कुल आकर के चढ़ रहे हैं, अब उनका भी है, एग्जाम का भी है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना, अफिलिएशन का भी है, और सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं कि इस एडमिशन के चक्कर में बहुत सारे आईटीआई का ग्रेडिंग नहीं हुआ, ग्रेडिंग ना होने के कारण जो है तो बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, और ये चीज़ मैं सरकार को संज्ञान में ले आया हूँ, देखिए आगे और क्या होता है, लेकिन डेट बढ़ गई है, उसके लिए मैं आईटीआई के जितने एक्सपर्ट हैं उनको मैं बधाई देता हूँ, सुधाकर राव जी और दामोदर राव जी और आपके जो है तो श्रीनिवास जी, कुमार देवरंजन जी, मनीष जी, विकास चौधरी जी, अरुण चौधरी जी, गजराज यादव जी, सुधीर शर्मा जी, इन सब का मैं सम्मान कर रहा हूँ, और कई हमारे बिहार के हैं, बिहार के कई लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, कई आईटीआई वाले बिहार के भी हैं, वो हमारे साथ में हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और उन सब जगह के हैं, जितने मित्र मेरे को मेल कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, उन सबका धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपकी आवाज़ सुनी गई है, आप जब अपनी आवाज़ कहते हो तो सुनती है डीजीटी, ऐसे तानाशाह वाली बात नहीं है, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, ये आईटीआई टॉक शो देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखिए आपको न्यूज सही चीज़ यहीं पे मिलेगी, बाकी जगह आप भटकेंगे, ठीक है, अपना बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। एजी एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई आईटीआई खोलने और पुरानी आईटीआई में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। एजी एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है, जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा आईटीआई में लैब सेटअप किया है, और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन, इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं, और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी आईटीआई के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।